हाँ जी की हो रहा सुबह सुबह। सुबह सुबह कैमरा ठा खड़े होंगे तो कैसे फायदा चुक ली। हाँ जी मैं बना रही है जी खाना सुबह से नाश्ता ते नहीं है सिर सालन बिल्कुल भी। मैं कहा चलो नाश्ता बना लेनी है ते थोड़े जिन होटल पे ने आलू पे ने चलो मैं सालन तैयार कर लेनी। सही नहीं हाँ सही है। तो तू मेरा ब्लॉग बनाना शुरू करता सुबह सुबह हाँ जी तेरा वो मूड होना बाहर वीजा छोड़ के आया तेरा मूड होना है सारी टीम शेयर करा कैसा डे बोल ताज तो उठ के तो बही हुई है हाँ जी ना। चलो कोई ना बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब उम्मीद करती आप सब कैसे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हर आने वाले दुख तकलीफ तो निजात दे। इससे दुआ ना इधर लोग शुरू करते हैं शुरू करते पहले छोटी जी अर्ज करते हैं जिन्हें मेरे भैन भी सारे मैंने जिन्हें सारा सायदा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि सभी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन मेरे भैन भी आपको टाइम पर पहुंच सके। आज की वीडियो में इस लागे साढ़े सुबह की रूटीन जिवें कि सुबह इंसान उठता वा तो अपना वजू वगैरह करके अपनी नमाज मंजिल की तरफ हो के और बकाया अपने घर के काम बच्चे मेरे चले गए जी स्कूल बच्चा ने स्कूल भेज दिता वा तो मैं हूँ सालन नहीं है सी। मैं चलो थोड़े जिने मटर पे ने आलू पा के मटर पा के आराम सालन थोड़ा जिना तैयार कर लेनी नाले दोपहर में बच्चे आ लिए वह भी खा लेंगे तो असं भी नहीं अभी भी स्कूल ना पेट भर के फिर नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता हूं तो हल्का फुल्का लेकिन असी इस तरह मतलब सुबह साड़ी रूटीन ये है कि असी निहार मूह जरा लोग चाय पी ली या के कोई पापे कोई ऐसी चीज सब ये चीजा पसंद नहीं है गला खराब होया पा सर्दी दिन सब ये चीजा पसंद नहीं असि आराम ना सुबह उ अपनी रूटीन वाइज रोटी खाई दी है जिदे के सामने नहीं बाजार के चने वगैरह नहीं मंगवाए तो मैं क्या चलो घर जो आलू पे ने और मटर पे ने यहाँ सालन तैयार कर लेने हूं भी खा लेंगे और दोपहर में भी खा लेंगे जे बच गया तो शाम को भी खा लेंगे एम कट लेनी प्याज आलू कट लेने मटर भी कट निकाल लेने मटर तो खैर दो दाने से ज्यादा नहीं चलो खैर सारा गुजारा चलेगा शुक्र अलहमदुलिल्लाह। सुबह का टाइम है जी टाइम हो गया इस टाइम 8:38 हाले भी चारों तरफ धुंध बहुत ज्यादा है लेकिन सूर्य निकलता तो पे है लेकिन हाले टाइम लगना है। सुबह सुबह इन्नी धुंध सी जो मैं लीजा बेटी छड़न गया स्कूले हद तो ज्यादा सामने सूरज निकलता तो पे है लेकिन हाले टाइम लगेगा धुंध भी बहुत ज्यादा है। जो तो मैं लीजा बेटी छड़न गया उस टाइम इन्नी धुंध सी कि कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती सी बड़ी मुश्किल नाल पहुंचा उत्थे पहुंच के जाके लीजा बेटी स्कूले छड़ के आया लसन भी छिल लिया सारा कुछ मैं तैयार कर लिया ते हुण चलदे आ किचन च रखदे आ ते जाके बनाना स्टार्ट करदे आ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब उम्मीद करदे आप सब खैरियत से होंगे असं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ ते जिहड़े मेरे भैण भरा यूट्यूब ते देखने वाले ने ते अल्लाह पाक सब नूं तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे हमेशा खुश रहो आबाद रहो साडे अपने भैण भरावां दे नाल ऐही दुआ वा ते हाँ जिन्हें मेरे भैण भरा ने जिहड़े ने मेरा चैनल साजिदा फैमिली ब्लॉग चैनल मेरा सबसक्राइब नहीं किया प्लीज सबसक्राइब कर देना तो मैं जो अज का ब्लॉग बना रही है अपने भैन भरावान शेयर कर रही इंशाल्लाह। अगर मेरे भैन भरा मेरा ब्लॉग पसंद आता होता तो मैं अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कराया करो कुछ कल मैं ब्लॉग बनाया से एक मेरे भाई ने मेरे मैच बनाए सी कल चावल मैं देख दी चावल बचे पे खत्म हो गए ये तुम खा लिए तो आधा हिस्सा बचा पे बच्चे स्कूल चले गए मैं इन्हों गर्म कर दी हाँ लेकिन सब तो पहले जो है सालन ला बना ना रहे क्योंकि सालन बनाना बहुत जरूरी है सालन लगी हुई कुक गुन के रख लिया माशाला से माशाला देखो जी आटा भी गुन लिया वा और कुछ बर्तन सब तो पहले ना वॉश कर लेनी है कि पहले सालन रखा ऊपर पहले सालन रख दो चलो सालन पक जाएगा ना बर्तन तो नहीं नहीं तो सालन मैं ना पका जाएगा तुम बर्तन धो लियो चलो इस तरह कर लो बिल्कुल सही है जी चंदा इसकी तरह देखो हाँ जी इधर मैं शराब ला रहा जल्दी से अपने पैर में लोटो इतनी ज्यादा शर्दी है मेरा क्यूट बेटा बहुत अच्छा जल्दी से शराब ला तो कैसे हो पूछो कैसे हो वीडियो शुरू कर दो फटाफट शुरू कर दो। हाँ जी की करने लगे हो कुछ ही बता मतलब मैं क्या दोनों दोनों पहले चलो सही क्या ना तो बनाना खाना खाना जी बनाना क्यों बोले तेरे बता ना फटाफट ना 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 ना
मेरा सारा अपना कम कर लगे थी, मैं क्या चलो मैं ना लोग हाथी पा लवा मैं टमाटर वगैरह प्याज वगैरह के पाच होते पा देते हैं ताकि सोचे इन्होंने बनाई वगैरह हो जाए। उस तो बाद बाकी फिर जो सब्जी वगैरह तैयार की हुई है वो अच्छी पावे। हाँ जी हाँ जी कितने जाना रस लेके आने नाश्ते रस खाने आए तो बुजुर्ग मैम जा रहे जी अगे अगे कहते जी रस लेके आइए आते पहुंच गए जी चीजा पसंद हो रहा बुजुर्ग मैम साहब का। हाँ लो जी रस मिल गए हम भजे जा रहे हैं कहता मैं भज के चले घर तू आराम आराम ना आ जा जल्दी जल्दी अपना काम फाइनल कर लो ताकि फिर सुकून में बह के नाश्ता कर लिए जी। ज़ुल्कनैन साहब की हो रहा है रस खा रहे हैं लो जी कहते मैं सुबह सुबह रस खाने फिर जना बूट शूट अपने कसे ने जराबा पाए तैयारी की थी फिर असं गए जाके दुकान तो रस लैके आए हूँ जनाब उन्हें बह के कंबल रस खान लगे हैं गरंटी आख ली मैं क्या चलो सारा जिन देर तक तैयार नहीं होता वो असं गरंटी इस साइड सारा तैयार हो इस साइड गरंटी तैयार माशाल्लाह काम सारा तैयार हो गया जी और कपड़ा ही पा के सारी गरंटी तैयार हो गई हम पीने लगी सी ग्रीन टी पीन जुलकर ने मेरे पापा देता पापे लेके आ मेरे पापा ने जा गया रे मम्मा तू भी पापा खा मैं ठीक हो गया आप भी खा ले चलो जी माशाल्लाह खाओ जी पी ले ये चाय की रोटी बना मजे करो माशाल्लाह कोई मसला नहीं जी मेरे वास्ते भी ग्रीन टी आ गई मैं भी होने लगा जी ग्रीन टी पीन ते फिर कर दें जी नाश्ते का इंतजार नाश्ता जिन्हें तैयार होएगा फिर वो भी नाल नाल खाते हैं जी रेडी हो चुका है मेरा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हाँ जी सालन तैयार हो गया और हम मैं बना रही रोटी बहुत शरीर जी भूख लगी हुई है बिस्मिल्लाह हमारा रही हूँ खाली पीता ग्रीन टी और जुल्कर ने भी कहा पापा का लो एक पापा का था जुल्कर ने कह रहा माने की हम मैं बना लो फटाफट रोटी कर जाए पापा ने बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है तो मेरे भी भूख लगी है ना ला के दो तीन रोटियां और भी बना के रखांगी बच्चों वास्ते ताकि वो चावल खा के गए ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਘੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਘੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਘੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਪੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮਾਵਾ और रोटी जुल्कर ने बहुत शरीर भूख लगी हुई है पानी कहो जी बाबे बेटा रोटी शुरू करो हाँ जी बिस्मिल्लाह पढ़ो मैं नाल नाल गरम गरम बना के दिनी ठीक है जुल्कर नैन ठीक हो गया बेटे भूख लगी मेरे बेटे को मैं जी दिखे जाऊँ अपने मैं रोटी खुश्क बना रही हूँ थोड़ी जी पका के बना रही हूँ जुल्कर नैन निकल बेटे
जाने पापा रोटी ला ली है, मैं कहा चलो मैं अपनी रोटी बना लेनी है। बस मेरी रोटी बन गई है। अच्छा गर्म गए से जी, मेहमान आ गए अचानक, साढ़ा के मेहमान आ गया और असं तो अपने वास्ते चाय बनानी बनानी सी, और मेहमान वास्ते भी नाल चाय बना रहे हैं। कापी मैं रेडी करके रख लेनी नाले ट्रे में, ट्रे च कप रेडी करके रख दी। मगे थोड़ा जिन्ना पानी है पीनी है, तो मगे च पानी पीने वास्ते मैं रखा सी। चाय माशाल्लाह उबल लग गई है, चाय मजीद बन रही पक रही है, हरे और हवाले आ जान। और मैं कप भी रेडी कर चुकी हूँ, देखो माशाल्लाह, एक मेहमान का, एक मेरा, एक मेरे हस्बैंड का। फिर नाश्ता वगैरह करके फिर असं अपने किचन की तरफ आवेंगे, चाय शाय मेहमानों को बुला के फिर असं अपना किचन वगैरह साफ करेंगे, क्योंकि किचन च भी काफ़ी खलारा पिया हो। चाय जी तैयार हो चले हैं और मैं उतनी देर में किचन पर कपड़ा फेर ला, सारा किचन के बच्चों हर चीज़ मैं एक साइड तक करके ला दी, जो खलारा पाया पिया हुआ सी और मैं सारा एक साइड में कर शर्फा साफ कर दी। सिर्फ दो बर्तन पे धोन वाले, वो मैं एंड च धोवी ताकि चाय शाय पी लिए बैठ के, बर्तन सारे मैं क्रोज करते और हम चाय कप्पा च पाने जी, चूल्हा बंद कर दें। माशाल्लाह जी चाय भी मैं कप्पा च पा चुकी हूँ और मैं जानी लैके चाय नाले मेहमान नू मलानी की गया, मेहमान आया नाले चाय पीनी। चाचे ने जी चाय देती है, सारा मेहमान सुबह सुबह आया, बुजुर्ग है साढ़ा, चाचा पियो चाय तेरी चाय में उड़ जाए। चाचे ने लानी सी बकरी, तो बकरियों का रेट बहुत ज़्यादा वा, कह रहा है उतने बकरी बहुत महंगी मिलती है। चाचे ने असं कहा, चाचे ने उत्थे पता किया, हूँ चाचा साढ़े को आया, हूँ जैन के पापा नाल लैके तो मंडी जाएंगे, तो मंडी चो पता करके आएंगे। लो जैन के पापा तुम भी चाय ला लो, तो जुलकर नैन भी दे दो, मेरी चाय भी पई है। लो जी चाहवा अपने भैन भरावों को इजाजत, मिलेंगे नैक्सट वीडियो। अगर मेरे भैन भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी सूँ जरूर दस्यो, सामने इजाजत, रब सोने वाले, अल्लाह हाफिज़।